तौहीद-ए-सुन्नत.com इस वेबसाइट पर मुलाहिज़ा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरके बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। अब शेख मुबारक हाफिज ने जामे कौसर नसीब करते हैं। हदीस पाक में लिखा कि उस गर्मी के आदम में अगर नबी ने एक मरतबा बुलाया, अब बुलाकर कहा मेरा उम्मती पी ले, मेरा उम्मती पी ले, अल्लाह ताला फरमाते मेरा महबूब कौसर का एक घूंट पिलाएगा, जन्नत में पहुंच जाएगा, लेकिन कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इस रमजान में मैं ये दुआ करता हूँ आपके लिए भी, आप मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह नबी के मुबारक हाथों से हमें जामे कौसर नसीब फरमाए। मैं उसी पर बैठकर ही बात करूंगा, आप फिक्र न करें, लेकिन इस वक्त मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ आपके सामने कि एक बहुत ही अचानक एक खुशी जो हमें मिली है, और ये हरीपुरा गुंबद वाली मस्जिद के लिए स्पेशल गोया बगैर मांगे हदिया मिला है कि अभी हम इफ्तारी कर रहे थे, वहाँ रेलवे स्टेशन पर हमने इफ्तारी की। सूरत का जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ वो पार्सल का जो हाउस है, वहाँ हमने इफ्तारी की, तो वहाँ मेरे भाई मौलाना हुज़ैफा आए और उन्होंने मुझे कहा कि बुरहानपुर से एक वलीउद्दीन बुरहानपुरी तशरीफ लाए हैं जो बहुत अच्छी नाते पाक पढ़ते हैं। वो इस वक्त हमारे दरमियान में है, वली भाई बुरहानपुरी इस वक्त हमारे दरमियान में है, और उनकी नाते पाक शायद आपने कभी कैसेट पर सुनी होगी, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ कि बड़े बड़े इदारे उनको दावत देते हैं और उनका एक अंदाज होता है जिससे वो नाते पाक पढ़ते हैं और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को करीब लाते हैं। आज हम खुशनसीब है कि हरीपुरा गुंबद वाले आज बहुत खुशनसीब है, बगैर मांगे वो हमारे दरमियान में पहुंचे। उनमें मुझे बराबर मालूम है कि जब हमको उनको तरीके से बुलाना था तो कई फोन करने पड़े, कई खत लिखने पड़े, फिर जाकर मंजूरी मिली। तो बड़े बड़े जो हमारे गुजरात के मदद से वो उनको दावत देते हैं और वो अपने अंदाज में आकर इतनी प्यारी नाते पाक पढ़ते हैं। आज अभी मगरिब में जब हमारे भाई ने बताया कि वो हमारे साथ में है, तो मैंने कहा कि उनको रोकना चाहिए और मेरे बयान से पहले वो नाते पाक पढ़ेंगे। तो ये हम सबकी बहुत बड़ी सहादत की बात है, खुशनसीबी की बात है कि जिनको सुनने के लिए लोग तड़पा करते हैं, जिनकी कैसेटों को मैं कई मतलब अपने घर में वो कैसे करता हूँ जो सुना करता हूँ, तो कई कैसेटे सुनते हैं, कई लोग उनकी मुलाकात के लिए तड़पते हैं, कई लोग उनको सुनने के लिए तड़पते हैं, और बड़े बड़े हमारे मदर से, चाहे वो फलाचारे हो, चाहे वो कथालिया हो, चाहे वो माटली वाला हो, ऐसे बड़े बड़े मदर से जब नात और नजम का एक कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें जज के तौर पर उनको बुलाया जाता है। आज हमारे ये हरीपुरा गुंबद वाली मस्जिद में हमारे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बहुत खुशनसीबी की बात है, हमारे लिए सादत की बात है। तो मैं चाहूंगा कि वो पहले यहाँ पर आए और वो नाते पाक पेश करें। वो नात पाक मुझे अभी भी याद है जो उनका एक मिसरा इतना प्यारा है कि वाकई अंदर को जब हम सोचते हैं तो रोने के सिवा कुछ नहीं, जिसमें वो ये कहते हैं काश के एक रात वो ऐसी आए। उनका नाते पाक तो बहुत अजीब गरीब है, मैं सिर्फ खुलासा बताता हूँ कि वो अपने नाते पाक में कहते हैं कि काश एक रात ऐसी आए कि हमारे नबी ख्वाब में आए और हम उनको सलाम कर दें। तो मेरे दोस्तों, वो नाते पाक अभी आपके सामने पेश करेंगे और मुझे मालूम नहीं है वहाँ के उनका क्या प्रोग्राम है, वरना हम तो चाहते थे कल संग्रामपुरा में हमारे साथ में रहते, इतने कल मुझे संग्रामपुरा पहुँचना है। मैं तो यहाँ आया पहले, मैं वहाँ इंग्लैंड का जो सफर करके आया ना, एक अच्छी बयान करके आया था, और वहाँ का रोजा और यहाँ का रोजा, आज मुझे किसी भाई ने पूछा वहाँ का रोजा कैसा, मैंने कहा यहाँ का रोजा तो जन्नत जैसा मालूम होता। वहाँ हम लोग 19 घंटा रोजा रखते थे, 19 घंटा रोजा रखने के बाद यूं समझो कि यूं मगरिब की नमाज, और मगरिब की नमाज के बाद अभी इफ्तारी की नहीं की कि तरावी का वक्त शुरू हो गया, इशा का वक्त शुरू हो गया, अब 20 रकअत का तरावी पढ़ाना, तरावी के बाद बयान करना, यहाँ बयान खत्म होता था, यहाँ पहले का दस्तरखान लगता था। तो इस तरीके से हमने रोजे रखे और 1 घंटा 20 बयान करके मैं आया। मैं तो थका हुआ था, मैं समझा कि हमारे मुन्ना भाई और जुनेद भाई ये मुझे आराम देंगे, लेकिन जो प्रोग्राम मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इंग्लैंड वाला जितना नहीं निचोड़ता इतना ही लोकल आदमी निचोड़ता है, ये लोकल आदमी इतना निचोड़ता। और ये मुन्ना भाई को कभी कभी बोलता भाई हदिया देंगे, तो हदिया देने को भी तैयार नहीं। तो खैर मेरे प्यारों, तो बहुत खुशी की बात है हम सब साथ में है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, इंतजार करोगे नहीं इंशाल्लाह, इससे कभी वो नाते पाक पड़ेंगे इंशाल्लाह। और आइए
ہمارے ولی کا, اور جو میں نے ترجمہ نہیں کیا شاید آپ اسی نعت پاک کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہم کو نصیب فرمائے. تو یہ نعت پاک پڑھیں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ میں, اس لیے کہ یہ جو شعرا ہوتے ہیں, یہ جو نعت پاک پڑھتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہر مصرے پر ایک داد ہونی چاہیے, ایک ساتھ میں ہماری زبان پر بھی آواز ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو نعت پاک پڑھنے کی اور سننے کی اور اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بیان کیا ہو, بیان میں بیٹھو گے ان شاء اللہ. میں ایسا ہوں کہ نعت پاک میں آپ کو پسند کریں, آپ چلے جاؤ تو میں تو اکیلا رہ جاؤں گا, میں تو سنیں گے ان شاء اللہ. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو کہوں گا. بڑی خوشی کی بات ہے کے پاس ملاقات کا شرف آیا ہوا اور آج میں آپ لوگوں کے بیچ ہوں اور آپ لوگوں سے متعلق ہوتا ہوں شرف میں آئے تو میں سنا
तीर्थ आश्रम देना के लिए मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारों, इस वक्त जो आश्रा है अल्लाह की कसम बहुत प्यारा आश्रा है। यह आश्रा इतना प्यारा आश्रा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको ये सब चीज मिल जाए जहन्नम के दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उससे दूर हो जाता है। ये आश्रा इतना प्यारा है, अल्लाह हम सबको जहन्नम से आजाद करा है। लेकिन बहुत डर लगता है मेरे प्यारों, रमजान का मुबारक महीना घड़ियां जा रही है, अल्लाह के वली अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं तो वहां इंग्लैंड में था, मैंने जब खबर सुनी हजरत मरहूम मुफ्ती आलिम साहब, अल्लाह उनके सदके हमारी मौसी, ये कहते हुए शर्म आती है कि अल्लाह उनकी मौसी रख पा है, अल्लाह उनकी कबर को नूर से भरे, ये कहते हुए शर्म आती है। इसलिए कि जिस धरती के जगाते में एक लाख से ज्यादा का मजमा हो, एक लाख से ज्यादा का मजमा हो, बताओ मक्फिरत का आलम क्या होगा। और जो अल्लाह का वली रोजे की हालत में खुदा से इस तरह मिला हो कि तहरी घर के दस्तरखान पर हो और इस्तार खुदा के दस्तरखान पर हो। मेरे प्यारों, वो अल्लाह के वली चले गए, आज हमको भी जाना है, वो तो अपनी पूरी तैयारी करके गए, हम पूरी तैयारी करके गए। बल्कि मैं हमारे जुनेद भाई को वहां जुनेद से बोल करके कहा कि मुझे उनके निशान की खबर मिली तो मेरी जुबान से बात निकली कि सूरत वाले यतीम हो गए, खसूस नासिर वाले बहुत सारे यतीम हो गए। मेरे प्यारों, ये अल्लाह के वली दुनिया से जा रहे हैं और न जाने वो कितनी प्यारी प्यारी बातें करके गए, लेकिन आज तक हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। रमजान का महीना आ गया, फिर भी हमारी जबान पर कीमत चुगली झूठ गाना टीवी क्या है। मेरे प्यारा, आज दुआ करें रमजान का आखिरी आश्रा है, अल्लाह की मफिरत फरमाए। इधर हमें तो दुआ करना चाहिए कि हजरत मरहूम मुफ्ती आरिफ साहब, अल्लाह उनके सदके में हमारी मफिरत फरमाए। कयामत में यकीन वो मौका होगा, वो इशारा करते जाएंगे और न चाहे सूरत वालों की कैसी मफिरत होती जा रही थी, अल्लाह वो इशारे में हमको भी शामिल करवाए। मैं मेरे प्यारों की आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना, इसलिए मुझे मालूम है कि आज की रात से लेकर मेरी आवाज सीने में भी दर्द है, बीमार भी लंबा सफर भी हुआ है, और मुझे मालूम है आज की रात से लेकर अब चांद रात तक मुझे तरावी भी पढ़ाना है, ईशा भी पढ़ाना है, वितर भी पढ़ाना है, और बयान भी करना है, और एहतकाब भी करना है। अल्लाह तबारक व तआला सबको जमा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारा जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले बहुत दिन हो गए मेरे प्यारों, हम सब आपसे मिलकर एक अल्लाह का जिक्र करें और बिल्कुल जहाँ मोहब्बत के साथ जिक्र करें। गर्दन झुका दो, गर्दन झुका दो। मेरे दोस्तों, आप सबको मालूम है मेरी जुबान पर अल्लाह, आप सबकी जुबान पर भी अल्लाह, प्यार मोहब्बत के साथ हम सब जिक्र करें और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। शुरू करें, Allah, 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 All
محمد
करता
लड़ाई करना जिसको कीमत, क्या कहते हैं कीमत, बताओ होता कि नहीं होता है? मोबाइल पे गलती बजी, हेलो कैसा रमजान चलता है, रमजान के भी आते हैं बहुत अच्छा चलता है अभी हाँ अभी मोबाइल पे गलती बजी, हेलो रमजान कैसा चलता है? हमारी माँ बहने भी गलती बजी, हेलो हमने किसी बहन ने फोन उठाया रमजान कैसा गुजरता, इनकी तैयारी हुई कि नहीं हुई, कपड़ा लिया कि नहीं लिया, कौन से ट्रेनर के पास कपड़ा सिलाया, चार पांच बात के बाद तीसरे आदमी की बात शुरू हो जाएगी। वो भाई के बारे में खबर मिली, वो बहन के बारे में खबर मिली, यहाँ तेरा मोबाइल बंद करके रखेगा वहां अल्लाह गए बचा तेरे रोजे को मैंने बर्बाद कर दिया। बताओ सच बताओ कीमत कर रहे कि नहीं कर रहे? पीछे बुराई ऐसी खराब आदत है, ऐसी मनहूस आदत है मेरे और आपके अंदर की, बस रोजे को थोड़ी देर में बर्बाद करता, अरे दुकान पर बैठा है तो दो बात होगी, फौरन किसी तीसरे आदमी की बात आएगी, तीसरी बहन की बात आएगी, किसी औरत की बात आएगी, किसी मर्द की बात आएगी, और एक राय से जाने के बराबर बुराई करेगा, यहाँ बुराई करेगा वहां खुदा कहेगा क्या मैंने तेरे रोजे को बर्बाद कर दिया, भूखा है प्यासा है बाकी तेरे रोजे से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे घरों में हो रहा है, हमारे दुकान में हो रहा है, हमारे कारोबार में हो रहा है, हमारे दोस्त अहबाब जब मिलते हैं तो होता है, और अल्लाह माफ करे खुदा के करने भी होता है। सलाम करेगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तेरे को मालूम क्या हुआ उसकी लड़की माफ करी, मतलब तेरे को मालूम चलता था दूर दूर तक गया होता नहीं होता, वो ऐसा करते नहीं करते मेरे दोस्तों, यानी ना मस्जिद में सलाम करना, सलाम करना, रमजान का महीना भूखा है प्यासा है, इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ा, लंबी लंबी तरावी पढ़ा, लंबा लंबा रोजा रखा, एक छुट्टा मुझे पता है उसने चोरी किया था, वो कुछ पता चला उसने चोरी किया पकड़े गया, बस वही पर अल्लाह कहता वो भले किया होगा लेकिन तेरा रोजा मैंने बर्बाद कर दिया, और शैतान ने हमको ऐसा धोखा दिया कहता ये कीमत थोड़ी है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, शैतान ने हमको ऐसा कर दिया कि मुझे तो जो बात मालूम पड़ती है ना गांव में, या मुझे जो महीने में बात मालूम पड़ती है ना वो बात में लोगों को बताता, मेरे प्यार को क्यों बताता, क्या शरीयत ने उसकी इजाजत दी है? ये कीमत ये कितनी ज्यादा है रमजान के महीने में अल्लाह माफ करता है। हम नमाज पढ़ने आया, नमाज पढ़ने आया, नमाज पढ़ने जाएगा उसको कुरान पढ़ना भी आता होगा, माफ करना कुरान पढ़ना भी आता होगा, लेकिन बाहर निकल के वो तरह भी पढ़ाएगा तो बहुत लंबी पढ़ेगा, तो उसको सूरह फातिहा नहीं पढ़ना नहीं आती होगी, और वो किसके ऊपर सब कुछ कर रहा है तरह भी पढ़ा जा रहा है, जिसके सीने में कुरान है वो पढ़ाया, वो बराबर नहीं पढ़ाया, वो थोड़ा बहुत लंबा पढ़ाया, बताओ अपना जो रोजा रखेगा खुदा कबूल करेगा। कीमत अपने आप को बताओ, हमारे आका दादार मदीना साहब ने कहो, हमारे आका दादार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा, मेरे सहाबा उस जात की कसम ये के कब्जे में मोहम्मद की जान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलबी बदीयों की गुस्ता हूँ, अल्लाह के रसूल ने पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे कोई धक्का करेगा, कोई झगड़ा करेगा, लेकिन अगर एक मरतबा कीमत करेगा अल्लाह उसके रोजे को बर्बाद कर देगा। हमारे नबी ने कसम खाकर कहा कि तेरा रोजा बर्बाद हो जाएगा, अरे नबी कसम न खाते फिर भी बर्बाद हो जाता तो कसम खाइए तो सोचो रोजा कैसा बर्बाद हुआ होगा। एक बात आपको बताऊं मेरे दोस्तों, कीमत समझ गए ना, पीठ पीछे किसी की चाहे उसके अंदर हो, अरे चलो किसी ने चोरी की आपको अपना अपना वो मेरे में जो नमाज पड़ता है और इतनी बड़ी बड़ी तारी है वो उसने चोरी किया, किया उससे, यानी किसी मुसलमान के अंदर कोई ऐप है और वो ऐप आप लोगों को बताओ, इसका नाम की बन सके अल्लाह इसके हिफाजत फरमाए, इकट्ठा के नहीं कर रहे हो, हो रहा कि नहीं हो रहा, हमारे मोबाइल पर होता कि नहीं होता, इसलिए जो अच्छा है कि मोबाइल आग लगा दे, लगा दे आग लगा दे, खुदा तेरे रोजे को आग लगा है, उससे अच्छा है कि तेरे मोबाइल को आग लगा दे, इस मोबाइल पर की बात की बात बच्चे फिकर उसने क्या किया उसने क्या किया, अल्लाह अल्लाह भगवान मेरे दोस्तों ये क्यों फिकर करते हो कि किसने क्या किया, एक तो फिकर नहीं करता कि मैं क्या करता हूं, सोचो ना हम नमाज पढ़ने आते हैं बहुत सुंदर से मुताबिक नमाज पढ़ता है, देखो ना हम खड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं नमाज में खड़े होते हैं, हमारे दोनों भाव के दरमियान फासला कितना हो जाएगा, हम नमाज में खड़े होते हमारे दोनों भाव के दरमियान फासला कितना हो जाएगा, किसी को
کی فکر نہیں, اپنے عہدے کی فکر نہیں, اپنا وجود نہیں دیکھنے ان کی فکر نہیں, میری بیوی کے چہرے پر پڑتا ہے کہ نہیں ان کی فکر نہیں, میرا بچہ اور میری بچی دنیا میں کس طرح جی رہی ہے اس کی فکر نہیں, اپنے گھر کی فکر چھوڑ کر دوسرے کے گھروں کی فکر میں یوں لگتا ہے جبکہ اپنے گھر میں خدا حاصل ہو چکی ہے. پہلے فکر وہ کیا کرتا وہ کیا کرتا, وہ اٹھنے پر بیٹھے گا آپ کو بھی بیٹھے گا جائے گا ابھی جائے گا چائے پینے کا چائے کا کچھ مارتا رہے گا, ارے قیمت کرے گا قیمت کرے گا قیمت کرے گا, ارے اللہ کا بندہ یہ بڑی بڑی بات ہے کہ راتوں میں لوگ نبی بولا کرتے تھے تو زمین کی طرف جایا کرتی تھی, ان راتوں میں یہ چائے کا گھٹ پی کی قیمت کرتا, علماء کی قیمت کرتا, تعلیم پڑھانے والے کی قیمت کرتا, ایمان کی قیمت کرتا, ارے تو چھوا چھوا آیا اور یہ بیچارہ ہر وقت مستقل پر کھڑے ہو کر خدا کو یاد کرتا. ذرا سوچو آج 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 یہ قیمت آپ تو وقت کو نہیں کریں گے ان شاء اللہ, دیکھو رمضان کی جیسی عادت بناؤ گے نا اللہ گیارہ مہینے میں اس کی عادت بنا گئے ان شاء اللہ, آپ سے کہہ کر بچے میں کام کرتا ہوں آپ کی طرف کوئی چیز شروع کرے نا پچھلے کی میری روزہ اتنا کہتے اس جملے پر خدا جنت کی محنت کھول دے گا, جنت کی محنت پانی نہ کھول دے گا کہ میرا بندے نے روزے کی قدر کر لی, روزے کا احترام کر لیا, ارے میرے پیارے ایک روزے کی عزت کر لے, اللہ کافر کو بھی ایمان نصیب کر دیتا ہے, نہیں کرو گے نا قیمت نہیں کرو گے نا, آپ نے واقعہ بتاؤ نا دل مل جائے گا بھی میرے دوستو, یہ قیمت کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا, آپ کو وہ بات بتاؤ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام پہاڑ پر, ارے بولو آپ اب تو لوگ ان شاء اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کہاں پر پہاڑ پر کس کے سامنے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ پانی نہیں آنا, اور یہ بات صحیح ہے پانی اتارے نا تو کوئی روک نہیں سکتا اور وہ روکے تو کوئی اتار نہیں سکتا, بتاؤ کل تک آپ لوگوں کی کیا حالت تھی, کل تک کیا حالت ہے, وہ اچھا ہوا کہ کسی مریض کی دعا کر گئی اور آج پانی اتر گیا, ورنہ میں اور آپ سے یہاں جمع ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے, ارے ہو جاتا ہے اگر دوسرا نے سلا کو اتنا ہوا پہاڑ پر کیا کر رہے ہیں ساتھ میں وہ کیا کر رہے ہیں لوگ کیا اللہ پانی نہیں ہے جانور بڑھ جائیں گے بچے بھی گرائیں گے یہ پوری بستی تباہ ہو جائے گی, اللہ پانی اتار دینا, حضرت موسیٰ نبی دے اللہ سے مانگ کے اللہ پانی دے دے, اللہ نے کیا فرمایا موسیٰ نہیں ملتا, کہا اللہ سب بڑھ جائیں گے اللہ نے کہا مرنے دے, اللہ سب برباد ہو جائیں گے اللہ نے کہا ہونے دے, پانی نہیں اتار دینا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اتار دینا پانی تیرے کب سے قدرت میں تو سب کچھ ہے اللہ اتار دینا, اللہ نے بڑے غصے میں کہا, اللہ نے بڑے غصے میں کہا موسیٰ تیری قوم میں ایک مرد ہے, تیری قوم میں ایک مرد ہے جو 40 سال سے قیمت کرتا ہے, کتنے سال سے اس کی 40 سال کے روز آنا پیسے وہ قیمت کرتا ہے, پہلے اس کو سامنے لا اے موسیٰ سب کو چھپا کر اس کو سامنے لا اور پوری قوم کو کیسے اس کو مارے, اے موسیٰ تو بھی مار, جب سب مل کر اس کو ماریں گے اور تو بھی مارے گا تب میں آسمان سے پانی اتاروں گا ورنہ میں پانی نہیں اتاروں گا, موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے اسے سب کو جمع کیا, جب سارے لوگ جمع ہوئے کہا اس میں کون مرد ہے جو قیمت کرتا ہے اور 40 سال سے قیمت کرتا ہے وہ باہر آ گئے, اگر موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کون قیمت کرتا ہے 40 سال سے وہ باہر آ جائے اس سے تو وہ باہر آئے گا, پوری قوم اس کو ایک تماشا مارے گی, میں بھی اس کے چہرے پر ماروں گا اور جب تک ہم مارے گے نہیں وہاں تک آسمان سے پانی اترنے والا اب اندر ہے, ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا, ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا, کون 40 سال سے کیا کرتا ہوں جب وہ اندر ہے, لیکن میرے پیاروں میرے پیار کو سوچنا وہ گنہگار اندر ہے, اندر ہی اندر رو رہا ہے, اندر ہی اندر رو رہا ہے رو رہا اور روتے روتے کہتا اللہ اللہ اگر میں باہر نہیں نکلوں گا تو پانی نہیں اتارے گا اور میں باہر نکلوں گا سب لوگ ایک ایک تماشا ماریں گے تو میں تو ختم ہو جاؤں گا, ارے اتنی بڑے خوف ہے سب لوگ ایک ایک تماشا ماریں گے اور حضرت موسیٰ جب تھپڑ ماریں گے تب سب میں تو مر جاؤں گا, اللہ میں تو نکلوں گا تو بھی مر جاؤں گا اور نہیں نکلوں گا تو پانی نہیں اتارے گا, اللہ مجھے معاف کر دے, اس نے رونا شروع کیا آسمان سے پانی آنا شروع ہو گیا, میں آسمان سے پانی حضرت موسیٰ حیران, وہ آدمی نہیں نکلا
की ताकत से तो रोना ही था ना। अगर उसको रोना ही करना चाहे वो रोया, उसने अपने आप के आंसू के कचरे निकाले, मैंने आसमान से पानी उतारा, इतना पानी उतरा, इतना पानी उतरा, सब कुछ होकर चले गए, पूरा मैदान खाली, अकेले कौन हजरत बोलने कौन अकेले क्या फरमाने सुनना। हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलाम अकेले सामने के रखे थे, हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलाम अकेले अकेले पहाड़ पर पहाड़ पर अल्लाह तबारक व तआला से जाकर अर्ज किया है अल्लाह सब चले गए, पानी भी आ गया, अल्लाह को आदमी का पता तो बता वो कौन था, अल्लाह पता तो बता वो कौन था कौन, ताकि कम से कम मैं जाके मुलाकात तो करूँ, अल्लाह कम से कम जाके मुलाकात तो करूँ, था कौन अल्लाह कम से कम उसका पता तो बता। अल्लाह ने क्या फरमाया, मूसा वो कीमत करता था, कुछ देर मैंने पानी बंद कर दिया और आज तू मेरे पास कीमत करवाता है, वो कीमत करता था तो मैंने पानी बंद कर दिया, अब तू मेरे पास कीमत करवाता है, आज तू मेरे पास कीमत करवाता, अरे जब तक वो गुनाह करता था मैंने उसका नाम किसी को नहीं बताया, अब तो तौबा करके मेरा हो गया, अब कैसे नाम बताओ, वो जब गुनाहगार था तब मैंने किसी को नाम नहीं बताया कि वो ये गुनाहगार है, आज तो तौबा करके वो मेरा हो चुका है, और जो मेरा बनता है मैं उसको अपने आगोश में ले लेता हूँ, मैं उसका नाम तो किसी को नहीं बताता। आगे क्या फरमाया, मैं उतर जाओ उसको पहाड़ से उतरो, उनके नाम का पता मैं किसी को नहीं बताऊंगा, उतरो मैंने कीमत तुम पर भी हराम की है और मैं खुदा हूं फिर भी अपने ऊपर कीमत को हराम कर देता हूं। उसको अंदाजा लगाओ ये कीमत भी पीछे उड़ा करना, आप क्या करो नहीं करेंगे बस देखो ना दोनों तीन दिन काम लगाऊंगा, आज पहला काम हम ये करेंगे, आपसे तय करो कि जीवन बिल्कुल नहीं, कल हम अल्लाह खुदा में मिलेंगे तो वहां ये बात फिर तय करना है, अब अपना हिसाब लगाओ, अपना हिसाब, हम लोग अपना हिसाब कभी नहीं करते, अपना हिसाब कभी नहीं करते कौन सा गुनाह किया, अपना हिसाब लगाओ ना कि हाथों का गलत इस्तेमाल कितनी मरतबा किया, कान का गलत इस्तेमाल कितनी मरतबा किया, समाज का गलत इस्तेमाल कितनी मरतबा किया, जीवन कितनी मरतबा किया, चुगली कितनी मरतबा किया, झूठ कितनी मरतबा बोला, तोहमत कितनी मरतबा लगाई, तूने अफवाह कितनी मरतबा फैलाई, इन्वेस्टमेंट कितना पैसा कहाँ लगा सब मालूम पड़ेगा, वो तो मेरे को सब पता नहीं आते, तो अपना हिसाब कर देगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर खड़े होते थे, सुनना हजरत उमर का जुमला सुनना, काला उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हकीमो व अनफुसकुम क़बल अन तुहासबु, अरे बोलो ना हमसे ज्यादा ऊंचे लंबे चौड़े ताकत पर थे, लेकिन निपर पर खड़े होकर रो रोकर कहते थे लोगो अपना हिसाब ले लो इससे पहले कि कयामत में खुदा तुम्हारा हिसाब लेगा। मेरे दोस्तों सब चीज का जवाब देना पड़ेगा, काम बोलो देना पड़ेगा कि नहीं, आंख बोलो देना पड़ेगा कि नहीं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने क्या फरमाया, इन तेरे कान तेरे हाथ तेरे दिल सबका हिसाब में कायम मैं लूंगा और मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों आज सबसे पहले तो ये तय करो कि आज हमारा पहला सबक यही है, आज से यहाँ से उठेंगे घर में अपनी माँ को भी करो बीवी को भी करो, इसलिए घर में जाओगे तो बीवी शुरू हो जाती है, हाँ बात करो प्यार मोहब्बत करो कोई मना नहीं करता, अरे कोई मना मुझे मुझे तीन मिनट में पाई पीछे नहीं करो तुम ना भी नहीं करते, तो मुझे कहता है कि मौलाना हमारे इंडिया में 19 घंटे का होगा कितना, तो मुझे कहते रहता मौलाना कुछ खावे और पीले और रोजा क्यों चुके ऐसा कोई मसला है, खाते भी पिए भी और रोता, मैंने कहा मौलवी को कभी मत छेड़ा, मैंने कहा है कहा क्या, मैंने कहा दीदी की लात खा और गुस्सा पी रोजा भी टूटेगा, सही सर खा भी रहा है पी भी रहा है और रोजा भी टूटता है, तब घर में जाओगे ना आप मत खाना भाई लाते मत खाना, लेकिन एक बात कर रहे मेरे प्यार बचाओ दीदी से भी कहो, देखो सबसे बड़ा शोहर वही होता है जो बीवी के तह को खुदा रसूल की तरफ लेकर जाए, मैं करेंगे बीवी चला किसी और औरत और मुझे
कौन सी दुनिया मिलेगी, कौन सी आखिरत मिलेगी। तो मैं सब एक काम किए मैं कीमत पर, वो लोग नहीं करेंगे तो मैं आपके बोलूंगा नहीं करेंगे कीमत था फिर पीछे किसी की बुराई नहीं करूंगा। एक आखिरी काम है दोस्तों जो हम सबको अभी भी करना है और हर बात करना है, इसलिए ये जो रातें हैं ना हमारा गोल्डन पीरियड है, सुने रहा हूँ ये इन रातों में बन गए तो बन गए और इन रातों में बिगड़ गए तो अल्लाह की बात फरमा है। मेरे दोस्तों तौबा करना है करेंगे इंशाल्लाह। बस मेरे दोस्तों दुनिया के मालदार हो गए और उसकी बहुत प्रार्थना की, दुनिया के मालदारों से मांगो मांगो नाराज हो जाता है, वो कहता है तू नहीं मांगेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। वो खुदा कितना प्यारा, अल्लाह की कसम वो कितना प्यारा है कि अगर कोई रोता है ना, कोई अल्लाह के सामने रोता है ना तो उसके आंसू का कतरा ये घर पर आता है, घर पर अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं देख इसके आंसू का कतरा घर पर जाए उससे पहले मैं इसकी मक्की में कर दूंगा। तो अगर किसी को रोना नहीं आता कोई रोने की सूरत बना लेता अल्लाह कहते जा मेरे बंदे मेरे तेरी सूरत पर भी तुझको माफ कर दिया। अगर किसी ने रोने की सूरत नहीं बनाई कोई बाहर है बाहर निकला कोई बाहर निकला और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है आपने अल्लाह की बली का नाम सुना होगा हजरत हसन बसरी साहब का, क्या नाम हजरत हसन बसरी नाम है। उनका पड़ोसी जो था आपकी पूजा करता था, आपकी पूजा करता था और उसकी उम्र हो गई थी 70-80 साल, बूढ़ा हो गया था 70-75-80 साल की उम्र हो गई। हसन बसरी अपने घर में किसी ने आकर खबर दी कि वो जो आपका पड़ोसी है बूढ़ा जो आपकी पूजा करता मरने का वक्त है आखिरी घड़ी है। हसन हसन बसरी दौड़ते दौड़ते उसके घर में गए, देखो फिकर जितनी हसन बसरी नाम पूजा के दौड़ते दौड़ते उसके घर में गए, वो अपनी चारपाई पर पड़ा करा रहा है आखिरी सांस लेता। हसन बसरी ने जाकर कहा ये मेरा पड़ोसी कलमा पढ़ने अल्लाह उसको जन्नत अदा कर देगा, कलमा पढ़ने कलमा 70-75-80 साल आपकी पूजा एक बार कलमा पढ़ने अल्लाह तुझे माफ कर देगा अल्लाह तुझे जन्नत अदा करेगा। वो तो पड़ोसी था बुढ़ा था और आपकी पूजा करता था, कहा वो हसन उसे मरने मरने का आसान पर 70-80 साल आपकी पूजा किया तेरे बोलने पर इतनी बड़ी इबादत तो बन गई तू। अरे 75 साल से मैं आपकी पूजा करता थी एक बोलने पर मैं आज कलमा पढ़ना नहीं नहीं हसन तू तेरा काम कर मुझे तेरा काम करने दे। लेकिन वो अल्लाह के वली थे अम्र बिल मारूफ बोलो ना भलाई का ये जिम्मेदारी है हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरा पड़ोसी पढ़ता नमाज नहीं पढ़ता ये मेरी फिक्र है, हमको ये फिक्र है मेरा पड़ोसी कितना कमाता है, मेरे पड़ोसी के घर में फर्नीचर कैसा है, मेरे पड़ोसी के घर में कारपेट कैसा है। लेकिन ये फिक्र थी कि मेरा पड़ोसी नमाज पढ़ता है। हसन बसरी नाम सुना ले सुनना हसन बसरी इतने बड़े अल्लाह के वली वो जो आपकी पूजा करता उसके दोनों हाथ पकड़ लिए काम के तेरे हाथ पकड़ता हाथ जोड़ता एक बार कलमा पढ़ ले वरना कया मन में अल्लाह उससे पूछेगा कि तुझे मेरे पड़ोसी को ईमान की दावत क्यों नहीं दिया था एक बार कलमा पढ़ ले। लेकिन वो मानने को तैयार, अरे बोलो ना मानने को तैयार, अरे वो 75 साल से आपकी पूजा करता और मैं नहीं मानूंगा तुम मेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। हसन बसरी ने क्या फरमाया वो आपकी पूजा करता ना चलो अपना हाथ में हाथ डाले तू भी आगे में हाथ डाल मैं भी हाथ में हाथ डालू जिसका हाथ नहीं चले वो सच्चा और जिसका चल जाए वो गलत। तो बोला क्या कहते हैं ना मैं तो नहीं डालू मैं हसन बसरी ने कहा मैं डालू और मैं वो जो आप चल रही थी सामने उसमें जाके अपना हाथ रखा पर हाथ रखा कि वो भीतर से चलाते लगा हाथ चला हाथ निकाल चला देगा हाथ निकाल तेरा हाथ चल जाएगा हाथ निकाल तेरा हाथ चलेगा। हसन बसरी ने कहा था तूने आपको देखा है मैंने आपके पैदा करने वाले को देखा। हसन बसरी ने कहा जब तक तू नहीं रहेगा वहां तक मेरा हाथ ऐसा ही रहेगा। बहुत देर के बाद हसन बसरी ने हाथ निकाला हाथ पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। अब हसन बसरी ने कहा आप हुआ तू तो 75 साल से इसी की पूजा करता है चल तू डाल। वो बुरा कहते रखा ना हसन तेरा हाथ मेरे हाथ मेरा ताकि मेरी ईमान कबूल कर दीजिए तेरा हाथ से सुनना तेरा हाथ मेरे हाथ में ला ईमान कबूल करो। और उस बुढ़े ने कलमा पढ़ा अशहद अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आखिरी घड़ी थी बड़ी बड़ी सांस लेने लगा क्या कहने लगा मालूम क्या था हसन हसन
75 साल आपकी पूजा किया हूँ, 75 साल आपकी पूजा किया हूँ, अल्लाह खबर से मुझको बहुत मारेगा, अल्लाह बहुत मारेगा, मैं अंतर के काम कर अल्लाह को एक लेटर लिख, अल्लाह को एक लेटर लिख कि ये बूढ़े को माफ कर दे और वो लेटर बंद कर दे और मेरी कमर में रख देना ताकि अल्लाह वो खत को देखकर मुझ पर राम कर देगा। हसन मसीह को कहा कि अल्लाह के नाम क्या लिखो, लेटर लिखो, खत लिखो। हसन मसीह ने कहा नाना मैं अल्लाह को कैसे खत लिखूंगा, अरे कोई अल्लाह को लिख सकता, अरे बोलो ना कोई अल्लाह को खत लिख सकता। आयतुल कुर्सी में, आयतुल कुर्सी जो हम पढ़ते ना उसमें अल्लाह कहते किसके अंदर हिम्मत है जो मेरे सामने आके सिफारिश करे, अरे मैं किसी में हिम्मत है, अल्लाह ने क्या फरमाया लहू मा फिल समावाति व मा फिल अर्ض मन अल्लज़ी यश्फ़अ इंदा इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह फरमाते आसमान का पैदा करने वाला मैं, जमीन का पैदा करने वाला मैं, किसके अंदर हिम्मत है जो मेरे सामने सिफारिश करे। अपने बदली चमड़े के टुकड़े पर मैं कबर में रखूंगा और फिर जाऊंगा। वो बुरा इतना जिद किया कि हसन मसीह ने चमड़े का टुकड़ा लिया, उस पर अल्लाह का नाम लिखा और अल्लाह लिखने की हिम्मत तो नहीं होती लेकिन ये मानता भी नहीं है कि अल्लाह इसने मेरे सामने कलमा पढ़ा, भले 75 साल 80 साल इसने आपकी पूजा की लेकिन मेरे सामने कलमा पढ़ा, ए अल्लाह मैं हसन तेरे सामने सिफारिश करता हूँ, अल्लाह उसकी मगफिरत कर दे। वो चमड़े का टुकड़े पर लिखा, वो बूढ़े को दे दिया, बूढ़े ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह को प्यारा हो गया और वो चमड़े का टुकड़ा, बूढ़े का चमड़े का टुकड़ा उसकी कब्र में रख दिया, कफन दफन सब हो गया। हसन मसीह घर पर बोलो हसन मसीह रात का वक्त है नींद नहीं आती, मेरे दोस्तों वरना के बड़ी जो होते ना रात को सोया नहीं करते। हसन मसीह नींद नहीं आती, करवट पर करवट दे रहे, क्यों, इसलिए कि वो खत मैंने लिखा, मैंने खत लिखा, क्या हुआ होगा, मैंने खत लिखा, अल्लाह को खत लिखा, हसन बसरी तड़प रहे लेकिन तड़पते आग लग गए। हसन बसरी अहमद गुजारी की आग लगी, सुनना आग लगी, खाप में देखा वो बुढ़ा तो जन्नत में घूम रहा है, अरे वो बुढ़ा कहाँ घूम रहा है, हसन बसरी अहमद गुजारी ने खाप में देखा वो बुढ़ा जन्नत में घूमता तो हसन बसरी को बहुत ताज्जुब हुआ, कहने लगे खाप में कहने लगे बुढ़ा तू तो जन्नत में घूमता, जन्नत में घूमता क्या था, बुढ़े ने क्या जवाब दिया, अरे तुम लोग तो अभी कब्र में रखे गए कि अल्लाह ने मुझे जन्नत में पहुंचाया और मालूम है नबी के मुबारक हाथ मेरे हाथ में थे और मैं जन्नत में पहुंचा, नबी के मुबारक हाथ मेरे हाथ में थे और मैं जन्नत में आया और अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं पूछा। वो बुढ़ा कहता हसन अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं पूछा, हसन बसरी कहते हैं कि वो मेरा लेटर पूछता क्या हुआ, हाथ में पूछ रहे वो मेरे लेटर का क्या हुआ, कहा वो लेटर तो मैंने अल्लाह को दिया ना, वो लेटर मैंने अल्लाह को दिया तो अल्लाह ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, अल्लाह ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, जो मेरा कलमा पढ़ देता है मैं तो उसको ऐसे ही माफ कर देता हूँ। वो बुढ़ा क्या कहता है, हसन ये तेरा लेटर वापस ले, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, वापस ले। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खाप में आंख खोली अपने हाथ में वो खत को देखते हैं, आप पूरी तो देखते के हाथ है उसने वही अपना लिखा हुआ खत है। हसन सुनना हसन मसीह ने वो खत लिया और उसको खोला और खोलते गए पढ़ते गए और कहते लगे अल्लाह जब 75 साल आपकी पूजा करे एक बार मेरा कलमा पढ़े तो कुछ नहीं पूछता उसे जन्नत में भेज देता, तो अल्लाह जो 75 साल से तेरा ही कलमा पढ़ रहा होगा उसकी जन्नत का क्या हाल होगा, जो 75 साल से सिर्फ तेरा ही कलमा पढ़ता मैं और आप मेरे प्यारों मेरे प्यारों
करो दुआ मांगोगे इंशाल्लाह, दुआ मांगोगे इंशाल्लाह। तो दो काम आज आज ही पहली रात में साथ में ना, तो दो काम, पहला काम तो हम ये करेंगे कीमत बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं, अगर ये मोबाइल पे कीमत होती है बंद कर दे, रमजान के महीने उसका बटन बंद करके रखते, मेरे दोस्तों कुछ नहीं चाहेगा, लेकिन अगर दूसरा पूजा बर्बाद करेगा तो कयामत में क्या जवाब देगा, कयामत में जब चाहेगा और कहेगा मैंने कितने रोजे रखे पर आपने आमन में लिखा होगा एक भी नहीं रखा, क्या कहेगा मेरे ख्याल यहाँ से फिर मुझे वो यहाँ से निकलोगे मस्जिद के बाद, अब किसी तीसरे आदमी का जिक्र किसी हम जो चले सामने करो, हमें मना नहीं करता था दोस्त से, और ठीक है अब मंदिर में ये सूरत का जो माहौल है ना रास्ता, ठीक है मैं मना नहीं करता, मैं खा मैं बुल भी जाता खाता हूँ नहीं था, लेकिन उसकी लिमिट एक लिमिट होगी, खाने का एक वक्त है खा लिया, पीने का वक्त है पी लिया, अब पूरी पूरी रात पैसे कीमत करना, सहरी तक कीमत करना, वॉलीबॉल खेलना, ये क्या है मेरे दोस्तों, ये कौन सा तरीका था आपका पर बैठ के कीमत करना, वो कैरम खेलना, वो बदले खेलना, और इधर की कीमत करना, उधर की बुराई करना, और अगर ना ईमान, अरे इबादत का ना लगना हो सोचा, सोना भी इबादत है, आपको बात ये बात बताओ, सोना भी इबादत है, सोना इबादत है, क्या मैं करता हूँ आप भी करो, जब सोने जाओ ना, मेरे नबी सोते थे कि नहीं सोते, अरे बोलो सोते थे कि नियत कर लेते, मेरे नबी सोते थे अल्लाह इसीलिए मैं भी सोता हूँ, तो सोता था सोता जा, एक एक ओम लेता जाएगा सौ सौ शहीदों का सलाम तेरे नाम रहना, करोगे इंशाल्लाह भाई करोगे इंशाल्लाह, और एक बार और बता दो बात का पता लगाओ, मैंने कहा ना रोजाना दो दिन बातें करेंगे, एक सुन्नत रोजाना हम अमल करेंगे, करेंगे अमल इंशाल्लाह भाई, मैंने पहले गुजश्ता रहा था आपने भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, फिर बता रहा हूँ आप लोग, देखो ये काम भाई करेंगे करेंगे इंशाल्लाह, देखो एक सुन्नत आपको बता दो, घर में जाने का तरीका क्या होगा, अभी आप लोग चाहोगे घर जाओगे ना, घर में जाने का तरीका क्या होगा, देखो सुनो घर में जाओ ना सबसे पहले सलाम, अरे बोलो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद जाके तारा करेंगे तो कहेगा मैं किसको सलाम करूँ ना, फिर भी सलाम अस्सलाम वालेना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, लेकिन अक्सर तो हमारे घर में होंगी फैमिली होगी, क्या करोगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नंबर दो दरूद शरीफ बिस्मिल्लाह और तीसरा काम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे हम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन, बताओ कौन कौन करेगा घर जाके जाके करेंगे इंशाल्लाह, फायदा क्या होगा, फायदा क्या, देखो क्या अगर कोई फायदा बोलते तो गलत हो, लेकिन आका दाजदा है मदीना क्या कहते हैं, कल ये अल्लाह बेहिसाब पड़ोसी तुझे भी देगा और तेरे पड़ोसियों को भी अल्लाह रोजी अदा करेगा, तेरी बरकत से अल्लाह पड़ोसियों को भी रोजी अदा करेगा, तू अपना भी पेट भरेगा और ना जाने कितने पड़ोसियों का भी पेट अल्लाह तेरे शरीर से भरवाएगा, तो मैं सब अमल करेंगे इंशाल्लाह, ये सुन्नत से सब अमल करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हम सबके बैठ के सुनने को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन, वाखिर दावा एक तो ऐलान कर दिए वो मैं ऐलान करूँ, फिर जिक्र करेंगे टाइम बंद करें जिक्र करें, भाई हारून भाई को अस्पताल में 20 दिनों से कोमे में है, दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला को शिफा करना है, अच्छा फिर दो दिन ऐलान करूँ जो हमको प्रोग्राम करना है, जिसको हमको एक अच्छे सिस्टम से करना, कल जैसे आज हम हरिपुरा गुंबद वाले मस्जिद में जमा हुए, कल इसी तरह हमको जमा होना है संग्राम पूरा बड़ी मस्जिद में, भाई सब आएंगे इंशाल्लाह कल संग्राम पूरा बड़ी मस्जिद, और कल आपको मालूम है तरावी में 2700 मारा है, तो ये उन लोगों का एहसान है कि मुझे 8 रकात पढ़ाने के लिए कहा है, तो आप दुआ करें ना सरिखे 27 के बारे में सूरह रहमान भी है और सूरह वाकिया भी है, तो सूरह रहमान भी मुझे पढ़ाना है सूरह वाकिया भी मुझे पढ़ाना, तो मैं आपसे कहूँगा तरावी में पहुंचोगे इंशाल्लाह, तो 8 रकात भी मुझे वहाँ पढ़ाना है और सगरा पूरा भी इसी तरीके से हमें जमा भी होना, अच्छा ये तो रोजा आपको बताया जाएगा, कल कहाँ पर प्रोग्राम है, लेकिन एक प्रोग्राम जो है 4 तारीख से एहतकाफ में बैठना है, कौन कौन सा तैयार है मेरे साथ बैठने के लिए एहतकाफ में, 6 दिन का एहतकाफ हमको करना, जिसमें 3 दिन चुनगढ़ मस्जिद में, 3 दिन चुनगढ़ मस्जिद में और 3 दिन कालीपुर अम्बाबाद की मस्जिद में, ये 6 दिन और ये 6 रातें मैं भी मस्जिद में ही पढ़ा रहूंगा, आप भी मस्जिद में पढ़े रहे और ये नियत करके पढ़े रहे कि भिखारी बन के खुदा के दरवाजे पर आएंगे,
ऐसा काम आता नहीं करता है। अल्लाह भिखारी बन के आया, जब तक माफ नहीं करेगा मैं तेरे दरवाजे को नहीं छोड़ूंगा। तो तीन दिन चुनगर मस्जिद में और तीन दिन कादीपुर मस्जिद में, ये चार तारीख से हमको जमा होना है। तो जिन भाइयों को आना हो, चाहे एक दिन आना हो, चाहे दो दिन आना हो, चाहे छह दिन आना हो, वो अपना नाम जुनेद भाई को जरूर देगा। जुनेद भाई पूरा वाला ऐलान, उनका मोबाइल नंबर भी है, उस पर अपना साकिब शहरी और इफ्तारी में इंतजाम करने में आता है। आपको मालूम होगा बहुत सारे लोगों से अब सबका इफ्तारी का इंतजाम करना, शहरी का इंतजाम करना। अगर आप पहले से अपना नाम बता दोगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तो भाई करोगे नहीं इंशाल्लाह। ये तो चार तारे का मामला, बाकी कल हमको सरकार का बड़ी मस्जिद में फिर जमा होना। अल्लाह हम सबके जमा होने को कबूल करना है। सब ये लाइट बंद करते हैं, थोड़ा कुरान पढ़े, वही सूरह अशर की तीन आयतें पढ़े, जिक्र करें और उसके बाद में हम चले। قرآن کریم کی سورہ حشر کی تین آیتیں اس لیے پڑھوانا آپ کو پہلے بھی بتایا تاکہ صبح تک 70,000 فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ سبحان الله عما يشركون۔ میں ہمارے جو مہمان ولید صاحب قرآن پور سے جو آئے ہیں، ہم تمام مسجد والوں کی طرف سے اور جتنے مسلمان ہیں سب کی طرف سے ہم ان کا بہت ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے جو نام کے پاس پڑھ کر ہم کو سنائے، اللہ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور میرے دوستوں ذکر کرنے سے پہلے دیکھو، ذکر بہت کیا بہت کیا، اب ذکر کی کوشش کرو کہ زبان سے آواز کم اور دل کی دھڑکن زیادہ، زبان سے آواز کم اور دل کی دھڑکن زیادہ۔ اللہ اپنی ماری پر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں بہت اللہ سب کچھ کرنے سننے والا، بہت بڑے خدا کا ذکر کرنا ہے، اس سے پورے ادب کے ساتھ پورے پورا لحاظ کرتے ہوئے سب گردن جھکا کر یہ تصور کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، سب کی زبان پر اللہ اللہ Allah 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 Allah
अल्लाह का बंदा चिना से बोला चला जाएगा, वो बंदा चला जाएगा। ऐसा ना वो बोला ना बंदा चला जाए और हमारी बस्ती रखना वो बोला बचाने वाला बचाने। अल्लाह तुम्हें माफ कर दे बोला, माफ कर दे बोला, शायद निशान हम सबको बदला पड़ा मुसलमान इन नवाज मलाई के दौरे संतोष।
وسلم سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام سليم ورحمه الله وبركاته.